अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के द्वारा सीनियर स्टाफ नर्स की प्रताड़ना के चलते की गई आत्महत्या मामले में कांग्रेस ने जांच की मांग की है। मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। प्रेम कौशल ने मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड मशीन के खराब चलने से मरीजों को दिक्कतें पेश आ रही है क्योंकि मशीन गलत रिपोर्ट दे रही है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं की टेस्ट रिपोर्ट सही नहीं दी जा रही है जिसके कारण गर्भवती महिलाओं को दिक्कतें पेश आ रही हैं। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के द्वारा सीनियर स्टाफ नर्स की प्रताड़ना के चलते की गई आत्महत्या मामले में कांग्रेस ने जांच की मांग की है। मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। कौशल ने कहा कि किसी भी संस्थान में इस तरह का दबाव होगा और ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि सरकार का अधिकारियों और कर्मचारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। प्रेम कौशल ने कहा कि स्टाफ नर्स की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार कर्मचारी पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। मेडिकल कॉलेज में एक स्टाफ नर्स ने आत्महत्या की है और उनका जो सुसाइड नोट है उसमें इन्होंने हॉस्पिटल का मेडिकल कॉलेज का जो सीनियर स्टाफ है मेडिकल ऑफिसर्स है दूसरा कार्य मेडिकल स्टाफ है उसके ऊपर प्रताड़ना और हॉस्पिटल का रोक मेडिकल कॉलेज इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि जो स्टाफ है वो तनाव में और घुटन में वहां खड़ा है। प्रेम कौशल ने मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड मशीन के खराब चलने से मरीजों को दिक्कतें पेश आ रही हैं क्योंकि मशीन गलत रिपोर्ट दे रही है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं की टेस्ट रिपोर्ट सही नहीं दी जा रही है जिसके कारण गर्भवती महिलाओं को दिक्कतें पेश आ रही हैं। कौशल ने सवाल उठाते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज में इस तरह 2 माह से अल्ट्रासाउंड मशीन के खराब होने पर ठीक नहीं करने पर चिंता की बात बनी है। मेडिकल कॉलेज की एक और त्रुटि एक और खामी जिससे जनता परेशान है। 28 अगस्त से मेडिकल कॉलेज की अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब है। वो जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसका टाइम कैलकुलेशन जो है वो सही से कैलकुलेट नहीं कर पा रही। उसका जो रेजोल्यूशन है जो चीज उससे दिखती है वो सही से दिख नहीं पा रही। 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया और मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा संस्थान होता है और ऐसे संस्थान की अल्ट्रासाउंड मशीन अगर 2 महीने से 2.5 महीने से खराब पड़ी है बहुत दुर्भाग्य। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर चेकिंग के लिए गए हुए विजय सिकलानी ने बताया कि अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने के कारण परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि ओपीडी में बात करने पर बाहरी क्लिनिक पर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा जा रहा है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। अल्ट्रासाउंड करवाने गया हॉस्पिटल में तो ऊपर जाके लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी। वो सवेरे से खड़े हुए थे लाइनों में। बाहर बोर्ड लगा हुआ था बोल रहे कि मशीन जो है 1.5 महीने से खराब है और उसमें क्लैरिटी वगैरह कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कि मेरे को डेट चाहिए तो उन्होंने बोला नीचे पता कर लो। तो नीचे जाकर बोला जब तक नई मशीन नहीं आ जाती या मशीन ठीक नहीं हो जाती तब तक हम आपको कोई डेट नहीं दे सकते अगले की कब आपने आना है अल्ट्रासाउंड नेक्स्ट टाइम। और मिसिज मेरी प्रेगनेंट है तो हमें तो बड़ी परेशानी हो रही है। हमें फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया नीचे जाके ओपीडी में उन्होंने बोला तो बाहर से ही करवा लो। तो इसमें काफ़ी परेशानी हो रही है मतलब इतना जब से मेडिकल कॉलेज बना है इससे पहले जब हॉस्पिटल था तो अच्छी सुख सुविधा थी सारा सिस्टम हो जाता था। अब तो बड़ी परेशानी हो रही है।